तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ हम शामिल के क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने फाइल है, तो सबसे पहले हम डेटा को देख लेते हैं कि डेटा क्या है। तो आपके सामने डेटा है जिसमें नेम है, सिटी है, क्वांटिटी है, एमआरपी है और डेट है, ये आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। क्वेश्चन वन में है कि नेम, सिटी, ईयर, तीन चीज हम डालें तो मुझे यहां पे मंथली सम मिल जाए। इसका मंथली सम मिल जाए जनवरी, फरवरी, क्वांटिटी और एमआरपी। बट मेरे डेटा नहीं, ध्यान रखिएगा मंथ नहीं है, डेट है यहां। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कुछ लोग हैं, भुवन जी जैसे लोग हैं जिन्होंने समीफ को नहीं पढ़ा है, तो एक बार मैं बता देता हूं समीफ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने डेटा है और मुझे इसमें से मान लीजिए पूजा को सम करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ हम रेंज सिलेक्ट करेंगे कि पूजा नेम जहां पे मुझे मैच करना है और क्राइटेरिया में हम पूजा को दे देते हैं और सम रेंज हमारा क्वांटिटी आ गया। सम रेंज हमारा क्वांटिटी आ गया। एंटर प्रेस कीजिए यहां पर। नंबर को फॉर्मेट कर लीजिए नॉर्मल में। लेकिन अगर मुझे दो मान लीजिए कि जनवरी का सेल चाहिए और यहां पे मेरा जो डेट दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है मंथ नहीं दिया हुआ और मुझे डेटा में कोई मंथ डालने परमिशन नहीं है, मुझे डेटा चेंज नहीं करना है, तो कैसे करेंगे मंथली सेल्स? सबसे पहले जानिए कि क्या मल्टीपल कंडीशन में सेल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूजा का पुणे का सेल चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था सम इफ्स का, जिसमें हम सम रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर आ जाते हैं। तो ऐसे तरह से मुझे यहां पे मंथ बनाना होगा। हमने क्या किया कि इन्वर्टेड कॉमा में वन डैश दिया, एन परसेंट इसको सिलेक्ट किया, अगेन एन परसेंट और डैश के साथ हमने ईयर डाल दी 2019, डेट बन गई। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, जो कि हर महीने की लास्ट डेट दिखाता है। लास्ट डेट इसने दिखा दिया हमें
31 जनवरी। अब मैं यहां पे सम इफ लगाऊंगा, सम इफ्स लगाऊंगा। सम रेंज है क्वांटिटी वन, क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेटर दैन इक्वल, क्राइटेरिया रेंज देना पड़ेगा, क्राइटेरिया नेम है हमारा डेट। क्राइटेरिया क्या है, तो पहली क्राइटेरिया है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये हमने एन परसेंट कर दी स्टार्ट डेट को। फिर हमने क्या किया, क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया टू था लेस देन इक्वल टू, और हमने सिलेक्ट कर ली एन डेट, बेस किया, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि जनवरी महीने में वो 5818 का सेल हुआ। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस में हमारा यह है कि पुनीत जयपुर में 2019 में कितना सेल किया। तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट बनाना पड़ेगा। तो वन डैश हमने जनवरी को सिलेक्ट कर लिया और फिर डैश किया और ईयर को हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने ईओ मंथ दिया यहां पे और इससे हमने कॉमा जीरो कर दे। तो मुझे अब इसको नीचे तक ड्रैग करना है, तो हमने बी फोर को फ्रीज किया और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। तो मैं इसको बाद में हटा दूंगा, हर महीने का स्टार्ट डेट एंड डेट यहां पता चलेगा। तो मैंने यहां पे इक्वल सम इफ्स लगाया क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है, और यहां पे सबसे पहले डेटा में गया और सम रेंज दे लिया कि मुझे क्वांटिटी का सम करना है। पहली क्राइटेरिया नेम है कि नेम वाले कॉलम में जाए और ये यहां से पुनीत को मैच करे। दूसरी क्राइटेरिया है कि सिटी वाले कॉलम में जाए और सबसे पहले ये जयपुर को मैच करे। और तीसरी क्राइटेरिया है डेट में कि डेट में जाए और ग्रेटर देन इक्वल टू और एन परसेंट के साथ हमने कंबाइन कर लिया अपना स्टार्ट डेट डीए। फिर वापस हम डेटा में गए, हमने वापस एक बार और लिया आपने डेट डेट वाले क्राइटेरिया में और हमने इसमें बोल दिया लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया हमारा जो एंड डेट था उसको, और पेस्ट कर रहा हूं रिजल्ट आपके सामने। कंफ्यूजन हो सकती है तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं एवरेज इफ के बारे में। जैसे सम इफ होता है ऐसे एवरेज इफ होता है, इफ लगाने का तरीका सेम है सम इफ की तरह। एवरेज रेंज हमने बोला कि मुझे एमआरपी का एवरेज करना है। पहली क्राइटेरिया क्या है, तो हमने लिखी नेम है क्या मैच करना है, तो हमने बोला पुनीत को मैच करना है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, सिटी है क्या मैच करना है, हमने बोला जयपुर को मैच करना है। तीसरी क्राइटेरिया में हमारा डेट है, तो हमने बोला कि भाई डेट में मैच हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू अन, हमने कंबाइन कर दिया 1 जनवरी या नीचे दे दिया 1 जनवरी से बड़ा हो, और फिर वापस हमने इसको सिलेक्ट कर दिया डेट को और हमने बोला 31 जनवरी से छोटा तो जनवरी का सेल निकल के आ जाएगा। तो भुवन जी कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा। मैं इसको नीचे ड्रैग नहीं कर सकता क्योंकि ड्रैग करने से पहले सबसे पहले इसको फ्रीज करना, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो हमने इसको कॉपी किया सबसे पहले और यहां जहां डी ए था उसके जगह पे हमने पेस्ट कर सबसे पहले, और यहां जहां पे डी एट का यूज किया गया है डी एट के जगह पे डी एट का फॉर्मूला हमने ब्रैकेट में डाल, और फिर सेम ऐसे ई एट का फॉर्मूला को हमने कॉपी किया और जहां पे ई एट यूज किया गया है उसके जगह पे हमने ई एट का फॉर्मूला ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। नीचे ड्रैग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बी टू है हमारा, और समरी रखना जरूरी नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, छोटा हो जाएगा फॉर्मूला, ये भी समरी है, क्लिक करने से ले लिया है इसने।
मैं इसको आसानी से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं। ठीक है, ये हमारे सारे टोटल्स आ गए। अगर मैं पुनीत के जगह पे पूजा करता हूं तो पूजा का सेल आ गया पुणे में, तो पुणे में आ गया। पूजा की जगह पे मान लीजिए मैं रवि लेता हूं, रवि के सेल्स आ गया। तो ये हुई हमारी, मैंने यहां पे बताया आपको फाइलों को सेव कर लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, मुझे इसी तरह का रिकॉर्ड चाहिए बट मुझे चाहिए सिटी वाइज बिटवीन टू मंथ्स। इतने इंडिविजुअली बनता ना, मुझे यहाँ 2019 के जनवरी से लेकर जुलाई तक का क्वांटिटी का टोटल और एमआरपी का एवरेज चाहिए। मैं यहाँ पे ईयर डालू तो मुझे यहाँ पे क्वार्टर वाइज इसके टोटल्स आने चाहिए सिटी के हिसाब से, और मैं यहाँ पे मंथ डालू, ईयर और मंथ डालू उसके वीक वाइज आना चाहिए मेरे पास टोटल्स। तो तीन क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ये फाइल में आप लोगों को मेल कर दूंगा।